नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट लाइट में। प्यार दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं, आगाज करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समय और कार्य। और यह चैप्टर जो है आपके एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते होंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, स्टेट वाइज किसी एग्जाम हो, तो आपको हर एग्जाम में टाइम एंड वर्क से एक या दो प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलता होगा। तो आज जब हम शुरुआत करेंगे टाइम एंड वर्क का, तो आज के बाद आपका कल्याण हो जाएगा इस चैप्टर का। कभी जिंदगी में दोबारा परेशानी होने वाला इस चैप्टर में नहीं है। और जब भी एग्जाम में अगर टाइम एंड वर्क से प्रश्न पूछा जाएगा तो बिल्कुल आसानी से आप उत्तर कर दीजिएगा। और उत्तर कर दोगे तो आगे समझिए आपका नौकरी भी हो जाएगा। हर चैप्टर को जैसे हमने पढ़ाया, इस चैप्टर को भी वैसा ही बढ़िया ढंग से आपको समझाएंगे बताएंगे। बस आपका काम है प्रैक्टिस करते रहना। चलिए, तो टाइम एंड वर्क के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने से पहले एक बात हम आपको कह देना चाहते हैं कि टाइम एंड वर्क का जो सिलसिला था मेरे भाई, वो इससे पहले ही के चैप्टर में हमने शुरुआत कर दिया था। वह चैप्टर था कंपाउंड प्रोपोर्शन। हाँ, वह भी टाइम एंड वर्क का ही चैप्टर है, टाइम एंड वर्क का ही पार्ट था, लेकिन उसका सारा सवाल जो था वह एमडीएच कंसेप्ट पे आधारित था, इसलिए उसको हमने एक अलग चैप्टर बना करके आपको पढ़ा दिया। तो आज मूल रूप से हम टाइम एंड वर्क का शुरुआत करेंगे। चलिए, टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में कहा जाता है समय और कार्य, समय और कार्य। तो देखिए, टाइम एंड वर्क में जब हम आते हैं तो यहां सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इफिशियंसी का। इफिशियंसी कहा जाता है कार्य क्षमता या दक्षता भी कह सकते हैं, कार्य क्षमता या दक्षता। तो टाइम एंड वर्क में जब हम आते हैं तो सबसे पहले चर्चा होता है इफिशियंसी का। हमने आपको बात बात में बताया भी था, है ना, कंपाउंड प्रोपोर्शन में इफिशियंसी जो होता है चेला किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हुआ करता है। एफिशिएंसी, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? कहा जाता कार्य क्षमता या दक्षता। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, वर्क डन इन अ सिंगल डे इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ पर्सन। अब एक बात समझिए, इसका मतलब क्या हुआ? किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, उस व्यक्ति का इफिशियंसी कहलाता है, कार्य क्षमता कहलाता है। वर्क डन इन अ सिंगल डे इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उस व्यक्ति का कार्य क्षमता कहलाता है। व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उस व्यक्ति की इफिशियंसी होती है, यानी कार्य क्षमता होता है, दक्षता होता है। तो आज के बाद तो क्लियर हो गया, इफिशियंसी से आप नहीं डरोगे। इफिशियंसी का अर्थ क्या हो गया? वर्क डन इन अ सिंगल डे इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इफिशियंसी और टाइम का जहां तक सवाल है, अच्छा सिंपल सा, अपने पहले अपने वातावरण में प्रवेश करके इफिशियंसी और टाइम में रिलेशन को समझिए, अपने वास्तविक जिंदगी में प्रवेश। अच्छा एक बात सिंपल सा, जैसे हम दो दोस्त हैं, मेरा नाम पुरुषोत्तम, एक का नाम उत्तम, हम दो दोस्त का बात करते हैं। अगर हम बोले कि मेरा दोस्त का कार्य करने का क्षमता हमसे ज्यादा है, सिंपल सी बात, मेरा दोस्त का जो उत्तम नाम का दोस्त है, मेरा नाम पुरुषोत्तम, एगो दोस्त मान लेते हैं उत्तम, हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं चिला कि अगर मेरे दोस्त का कार्य करने का क्षमता ज्यादा है, सिंपल सा बात। अच्छा, जिसका क्षमता ज्यादा होगा, जिसका दक्षता ज्यादा होगा, वह तो समय कम लेगा, सिंपल सा बात है। अरे भैया, अगर दोस्त का कार्य करने का क्षमता ज्यादा है, इसका मतलब कार्य कंप्लीट करने में मेरा दोस्त हमसे कम समय लेगा। एक सिंपल सा बात यहीं से निकल के आया, जिसका इफिशियंसी ज्यादा, कार्य करने का क्षमता ज्यादा, वह समय कम लेगा,
जिसका क्षमता कम वह समय ज्यादा लेगा। यानी आप कह सकते हो एफिशिएंसी और टाइम जो होता है एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एफिशिएंसी बढ़ेगा टाइम घटेगा, एफिशिएंसी घटेगा टाइम बढ़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो एफिशिएंसी जो है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका एफिशिएंसी? समानुपाती 1/ टाइम टेकन टू डू अ वर्क, है ना। यानी एफिशिएंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? टाइम टेकन टू डू अ वर्क का। यानी एफिशिएंसी और कार्य करने में लिया गया समय एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हुआ करता है। और क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम टेकन टू डू अ वर्क का। यानी कार्य करने का क्षमता और समय जो होता है एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। जिसका एफिशिएंसी ज्यादा वह कार्य करने में कम समय लेगा, जिसका एफिशिएंसी कम वह कार्य करने में ज्यादा समय लेगा। चलिए अब बात करते हैं टोटल वर्क पर। टोटल वर्क को आप कैसे लिख सकते हो? तो टोटल वर्क को आप कहोगे कि सर हम लिख सकते हैं एफिशिएंसी गुना टाइम के रूप में। कैसे चला? एफिशिएंसी गुना टाइम के रूप में। अब यह कैसे लिखा गया? अच्छा, एफिशिएंसी के बारे में हमने अभी क्या बताया? एफिशिएंसी जो है वह एक दिन का काम है। कितना दिन का? 1 का काम है। इफिशियंसी जो है वह किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है। अच्छा, तो एक दिन के कार्य में पूरा समय से अगर गुना, जैसे हम बोले कि हम एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, पूरा कार्य करने में हमको जो है 10 दिन लगता है, तो पूरा कार्य क्या हो जाएगा? 5 × 10 यानी 50 यूनिट का पूरा काम है। तो टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुना टाइम। इफिशियंसी एक दिन का कार्य हुआ, उसमें कुल समय से गुना कर लीजिए, टोटल वर्क निकल करके आ जाएगा। तो इतना बात को आपको ध्यान में रखना है। एफिशिएंसी कार्य क्षमता किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कहलाता है। एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। जिसका एफिशिएंसी ज्यादा वह कार्य करने में कम समय लेगा, जिसका एफिशिएंसी कम वह कार्य करने में ज्यादा समय लेगा। मेरे भाई, हाँ, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुना टाइम। चलिए अब हम बात करते हैं आगे का। अब आपको प्रश्न की ओर लेके चलते हैं, वहां से हर बात को समझाएंगे किस किस प्रकार का प्रश्न जो है टाइम एंड वर्क में पूछा जाता है। हर एक प्रकार का प्रश्न आपको क्लियर करवा देंगे। चलिए टॉपिक नंबर फर्स्ट आइए, क्या कहता है? कहता ए एक काम को 10 दिनों में और बी उसे 15 दिनों में करता है, तो बताएं दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए, बहुत सारा तरकीब है प्रश्न को बनाने का, लेकिन हम उस तरकीब को सीखेंगे, उस तरीका को सीखेंगे जो हमको सहूलियत हो और आराम से हम एग्जाम में बना पाए उस मेथड के माध्यम से। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो पहले तो एफिशिएंसी के माध्यम से ही बना लीजिए। चलिए, तो चर्चा ए और बी का किसका मेरे भाई? चर्चा ए और बी का। ए काम को 10 दिन में, बी कितना दिन में करता है? 15 दिन में। अच्छा, समय का रेशियो देखा, ए 10 दिन में और बी कितना दिन में करता है? 15 दिन में। 5 × 2 = 3 यानी ए और बी के कार्य करने के समय के बीच का रेशियो क्या हो गया? 2:3 कितना? 3। अच्छा, दोनों के अगर इफिशियंसी का बात किया जाए तो अभी हमने बोला कि टाइम और इफिशियंसी, इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अनुपात, इसको पलट लीजिए, यानी 3:2 कितना हो जाएगा? 2। 3:2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2। यही तो है दोनों की कार्य क्षमताओं के बीच का रेशियो, इफिशिएंसी का रेशियो। अब एक बात समझना चला, यहां पर सीधा हमने पलट लिया। अगर 2 को है तो आप पलट लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर 3 डेटा है, जैसे 2, 3, 4 होता तो आप उसको इनवर्स करके ऐसे नहीं लिख सकते थे 4, 3, 2, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, है ना। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आप इसको इन्वर्स करोगे 1/2, 1/3, 6 होगा, 6 से गुना करोगे तो 3:2, या 3:2 का रेशियो मिला। लेकिन अगर हम बात करें जैसे टाइम का रेशियो 2, 3, 4 है, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। देखिए, हर बात को हम बारीकी ढंग से बताते हैं, जहां आप गलती कर दोगे, है ना। चलिए, तो कितना बच्चे इसको पलट लेते हैं? नहीं, 2 को हम पलट सकते हैं, वही रिजल्ट आएगा, लेकिन 3 को हम 4, 3, 2 नहीं आएगा। देखो,
एक बटा दो, एक बटा तीन, एक बटा चार, इसका इन्वर्स करोगे तो एलसीएम छह यानी बारह हो जाएगा, यानी छ चार कितना तीन। देखिए ऐसे हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ कि इसको उलटने से आपका इसका व्युत्क्रमानुपाती मिल गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। हाँ दो डेटा रहेगा तो वैसा हो जाएगा, आप सीधा पलट के लिख लीजिए या फिर उसका इन्वर्स करके रेशियो निकाल लीजिए तो आ जाएगा आपका, है ना। तो दुगो वाला में कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो बात को। चलिए तो टाइम का रेशियो पहले हमने लिखा प्रश्न के हिसाब से, फिर उसका इन्वर्स कर दिया गया, ये आ गया आपका एफिशिएंसी का रेशियो ए और बी का, है ना। हाँ अब यहीं पर आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं, इस रेशियो को प्राप्त करने के लिए आप सीधा ऐसे भी कर सकते थे, एफिशिएंसी का डायरेक्ट रेशियो आप लिख सकते थे। एफिशिएंसी एक दिन का काम होता है ना, तो 10 दिन में एक पूरा काम को करता है तो एक दिन में कितना करेगा, एक बटा दस। बी जो है 15 दिन में पूरा काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, एक बटा पंद्रह। तो एक बटा दस, एक बटा पंद्रह का रेशियो डायरेक्ट 3:2 आ जाता है, वह एफिशिएंसी का रेशियो हो जाता है। यह समझने समझने का बात है, आराम से जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं। चलिए अब देखो, अब टोटल वर्क पता दोनों मिलकर जो इस कार्य को कितना दिन में करेगा, पहले टोटल वर्क को लिख दो। अच्छा ए जो है एक एक दिन का काम कितना हुआ, तीन, एफिशिएंसी एक दिन का काम होता है, और ए पूरे काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में। अभी हमने बताया टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुना टाइम, क्या बताया चेला, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुना टाइम, या एक दिन का काम है पूरा समय से गुना कर लीजिए, पूरा कार्य निकल के आ गया। इस कार्य को दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, दोनों का एफिशिएंसी देखिए 3:2 कितना हो गया आपका, 5, है ना। चलिए काट लीजिए, है ना, यही कार्य था, दोनों मिलकर पूछा, दोनों के एफिशिएंसी यानी दोनों के एक दिन के कार्य से भाग लगा दिया गया। चलिए 5 से काट लीजिए दो बार में, यानी दोनों मिलकर जो है इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 दिन। कितना मेरे भाई, 6 दिन, यानी दोनों मिलकर जो है इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 6 दिनों में पूरा करेंगे। चलिए तो ये तो एफिशिएंसी के माध्यम से आपने निकाल लिया टाइम का रेशियो लेकर के, फिर उसका इन्वर्स कर लिया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब एक बार टोटल वर्क आप ए के माध्यम से हमने लिखा, आप बी के भी माध्यम से लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। बी के एक दिन का काम 2, पूरे काम को 15 दिन में, तो भी 30 यूनिट पूरा काम आता है ना। चलिए अब चलते हैं दूसरा मेथड पे, जो आपको बढ़िया लगे, हर मेथड को दिमाग में सेट करना है और जैसा प्रश्न होगा उसके मुताबिक हम मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जहां जो सहूलियत, जैसे नौकरी लग जाए एन केन प्रकार, बस नौकरी लगना चाहिए आपको। अगला मेथड की ओर आते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं एलसीएम मेथड। अब एलसीएम मेथड क्या है, कैसे बनाएंगे एलसीएम मेथड से प्रश्न, देखिए। अच्छा मेरे भाई ए जो है वह काम को कई दिन में करता है, तो 10 दिन में करता है, जबकि बी जो है उस काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में। यहां से पूरा कार्य एज्यूम कर लो, यहां से पूरा कार्य देखो, ए काम को 10 दिन में, बी काम को 15 दिन में, काम एज्यूम करना है, मानना है काम ऐसा होना चाहिए जो 10 से भी डिविजिबल हो, 15 से भी डिविजिबल हो, नहीं तबने काम 10 दिन में पूरा हो जा रहा है 15 दिन में। तो क्या करना है, पूरा कार्य जूम करने के लिए समय का एलसीएम ले लेना है ना। अच्छा 10-15 का एलसीएम, एलसीएम आपको पढ़ा चुके हैं, एलसीएम एचसीएम, एलसीएम का मतलब क्या सिखाया है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे कटने वाला, सबसे छोटी संख्या। अच्छा 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो पूरा कार्य जूम कर लेते हैं 30 हो जाएगा, पूरा कार्य हम मान लेते हैं 30 यूनिट। कितना मान लिए, 30 यूनिट। अब सोचो ए जो है 10 दिन में 30 यूनिट काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, तो 3 यूनिट, नहीं। अच्छा बी जो है 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, तो 2 यूनिट काम करेगा। कितना मेरे भाई, 2 यूनिट। ये एफिशिएंसी निकल के आ गया, दोनों व्यक्ति का एक दिन का काम निकल करके आ गया। कहता है बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। या तो एफिशिएंसी निकल के आ गया, अच्छा देखो तो पूरे कार्य में दोनों के एक, दोनों मिलकर पूछा तो दोनों एक दिन में कितना कार्य करेगा, इससे डिवाइड कर लेंगे तो पूरा समय निकल के आ जाएगा। अच्छा दोनों एक दिन में कितना करेगा, तो ये 3 और 2 कितना हुआ, 5, है ना। काट लीजिए कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में, यानी दोनों मिलकर जो है इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 6 दिनों में पूरा करेगा। नहीं मेरे भाई, दोनों मिलकर जो है इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 6 दिनों में पूरा करेंगे। आपका उत्तर 6 दिन।
तो देखिए यह भी मेथड बहुत ही परफेक्ट मेथड है, तो आप एलसीएम मेथड से भी प्रश्न को सुविधापूर्वक बना सकते हैं। यह भी मेथड हमने बताया एफिशिएंसी वाला, एलसीएम मेथड भी आपको समझाया पूरा कार्य कैसे ज़ूम करेंगे, समय का एलसीएम ले लेंगे है ना, पूरा कार्य ज़ूम कर लेंगे, एक एक दिन का काम निकाल लीजिए और उसके बाद जो पूछा है अभी तो इसमें बहुत तो प्रकार का प्रश्न आएगा। अभी पूछा गया था ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, तो हमने दोनों को एक दिन के कार्य से डिवाइड कर लिया, पूरे कार्य में समय निकल करके आ गया। चलिए तो आपने दो तरीका देखा, बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमने आपको सिखलाया एफिशिएंसी क्या होता है, चिल्ला किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होता है। एफिशिएंसी और टाइम क्या होता है, एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका कार्य करने का क्षमता ज्यादा वह समय कम लेगा कार्य समाप्ति में, जिसका क्षमता कम वह कार्य समाप्ति में ज्यादा समय लेगा, उल्टा हुआ करता है। चलिए अब एक बात हम आपको समझाते हैं, एक पैटर्न और आपको सिखाते हैं, जो किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर आप पूछोगे ना इस मेथड में, अगर थोड़ा बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा किया तो मेथड आपके लिए कारगर होगा। अब उस मेथड की ओर हम आपको ले चलते हैं, पहले उस मेथड के बारे में हम समझाते हैं। जैसे देखिए यही मेथड है, यही एक फॉर्मेट आपके समक्ष हम पेश कर रहे हैं, स्क्रीन पर जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है इसको समझो पहले आप, यह फॉर्मेट है क्या। हाँ चेला देखो फॉर्मेट क्या है, जैसे जिस व्यक्ति का चर्चा हुआ अभी तो हमने एबीसी लिख दिया है, कोई भी व्यक्ति का राम श्याम मोहन किसी का चर्चा हो सकता है, अभी हमने तीनों व्यक्ति को एबीसी मान लिया। देखो जिस व्यक्ति का चर्चा होगा उसको लिख लेना, अब इसके दोनों तरफ काम करेंगे, लेफ्ट साइड में उसका पर्सनल टाइम लिखेंगे है ना, जैसे ए अकेला जो है काम को एक दिन में करता है, बी जो है बाई दिन में, सी जो है जेड दिन में, लेफ्ट साइड पर्सनल टाइम। ये देखो एक ऐसा मेरे द्वारा ऐसा बनाया गया फॉर्मेट है, आप इसको इधर लिखोगे तो क्या काम नहीं चलेगा, चलेगा बिल्कुल चलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमको होशियारी से काम करना है। एक पैटर्न हम आपके माइंड में सेट करना चाहते हैं, जिस पैटर्न के माध्यम से आप आसानी से है ना उत्तर कर सकते हो, आसानी से प्रश्न बना सकते हो, चाहे प्रश्न इतना भी मुश्किल क्यों नहीं हो। तो लेफ्ट साइड आप पर्सनल टाइम को लिखोगे, जबकि राइट साइड कार्य में सम्मिलित समय। देखो पर्सनल टाइम और कार्य में सम्मिलित समय में क्या फर्क है, एक बात समझो, जैसे हम बोल रहे हैं एक काम को अकेले 10 दिनों में करता है, तो एक का यह पर्सनल टाइम है क्या, बी काम को 15 दिनों में अकेले करता है, यह उसका पर्सनल टाइम है, लेकिन हम बोले कि ए और बी दोनों मिलकर काम को 5 दिनों में करता है, यह तो सम्मिलित समय हो गया, दोनों मिलकर काम को 5 दिन में करता है, समझ रहे हो चेला। तो पर्सनल टाइम अकेला समय, कार्य में सम्मिलित समय यानी कार्य में सब मिलकर अगर कर रहा है तो उसमें ए कितना किया, बी कितना किया, सी कितना किया। तो लेफ्ट साइड पर्सनल टाइम, राइट साइड कार्य में सम्मिलित समय, तो ए जो है कार्य में शामिल रहा ए दिन स्मॉल ए, बी जो है शामिल रहा स्मॉल बी दिन, और सी जो है शामिल रहा स्मॉल सी दिन, काम जाके कंप्लीट हो जाता है। एक बात समझिए, अच्छा एक को ए दिन काम करवाओ, ए जो है पूरे काम को 1 दिन में करता है, तो बताओ 1 दिन में कितना करेगा, तो आप कहोगे सर 1/x, नहीं ए जो है पूरे काम को 1 दिन में, 1 दिन में एक काम, 1 दिन में 1/x काम, तो ए दिन में निकालना है तो ए से गुना करेंगे, तो यह हो गया 1/x। बी पूरे काम को 22 दिन में, 1 दिन में कितना करेगा, 1/22, बी दिन काम करता है तो बी के 1 दिन का काम हो गया 2/22। सी पूरे काम को जेड दिन में, 1 दिन में कितना करेगा, 1/z, अच्छा कितना दिन कार्य में रहा, सी दिन काम करता है तो सी बटा जेड। अब देखिए सबका काम ले लिए, ए के ए दिन का काम, बी के बी दिन का काम, सी के सी दिन का काम, ए बटा एक्स, बी बटा बाई, सी बटा जेड। अब काम कंप्लीट हो गया तो बराबर में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे मेरे भाई, बराबर में 1 लिख देंगे। यह मेथड बहुत ही परफेक्ट मेथड है और हम आपको बता देना चाहते हैं, जब हमने पढ़ाने का शुरुआत किया था 2012 में, उस समय हम लोग यही मेथड पर चला करते थे और यही मेथड हम बच्चों को सिखाते थे। यह भी बहुत ही आसान सा मेथड है ना, जो हर एक प्रकार के प्रश्न लगभग प्रश्न पे लागू हो जाता है, जहां आप उन दो मेथड से एफिशिएंसी या फिर एलसीएम मेथड से उलझ जाओगे वहां यही मेथड आपके लिए कारगर साबित होगा, नहीं साबित होगा तो कहना सर फालतू वाला बात आप क्यों बताए। इसलिए हम उस बात को लेके चलते हैं है ना, ताकि आप कहीं भी फंसो तो बीच मझधार से आपको निकलने का कोई ना कोई उपाय होना चाहिए, उपाय यह है। तो यह भी फॉर्मेट आपको सिखाए। चलिए तो पहला प्रश्न को जो है इस मेथड पे हम बना करके आपको दिखा दिया, दो तरकीब को हमने दिखा दिया, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जैसा प्रश्न आएगा, जैसे शब्द सुविधा बुझाएगा वैसे प्रश्न को डील किया जाएगा। आइए देखो मेरे भाई,
एक काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में, नहीं हाँ ध्यान दीजिएगा, एक काम को करता है 10 दिन में और बी कितना दिन में करता है, बी करता है 15 दिन में। यह तो ए और बी का चर्चा है। पर्सनल टाइम लेफ्ट साइड, ए अकेले काम को 10 दिनों में जबकि बी अकेले काम को 15 दिनों में करता है, पर्सनल टाइम है, लेफ्ट साइड लिखेंगे। कहता है बताएं दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। मान लेते हैं कि दोनों मिलकर जो है इस काम को एक दिन में पूरा करेगा, तो एक दिन काम को ए भी किया, एक दिन काम को बी भी किया। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। तो एक दिन का काम यानी कार्य में सम्मिलित समय बटा पर्सनल टाइम जोड़ करके एक काम, अभी हमने सिखलाया था आपको, देखिए कार्य में सम्मिलित समय बटा पर्सनल टाइम जोड़ करके एक काम, है ना। हाँ तो एक दिन दोनों से काम करवा लीजिए, यानी हो जाएगा आपका एक्स बटा 10 प्लस में एक्स बटा 15 बराबर में कार्य कंप्लीट हुआ एक, एलसीएम हो जाएगा 30, है ना। तो देखो यह 3x 2x यानी कितना हो गया मेरे भाई, यह हो गया 5x बराबर में 30, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका 6 दिन। कितना मेरे भाई, 6 दिन, यानी दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट करेगा। कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो आप कहोगे सर 6 दिन में पूरा करेगा। कितना दिन में मेरे भाई, 6 दिन में। तो बस और भी तरकीब है, एक जो किताब में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, अगर दो व्यक्ति का चर्चा है, दोनों के समय का गुणनफल बटा दोनों के समय का योगफल करके देखो, यह हो जाएगा 10 गुना 15 और 10 प्लस में 15 25, 150 बटा 25 यानी 6। आता वही चीज से है, कोई भी चीज, देखिए हम बार बार बोलते हैं कुछ भी रटने फटने की आपको जरूरत नहीं है, आप प्रोसेस समझिए ना, जो आपका कंक्लूजन होता है वही ट्रिक होता है, वही शॉर्टकट होता है, इसलिए आप प्रोसेस पर ध्यान दो, जो हम बताते हैं उस पर ध्यान दीजिए। सब चीज आप कर लोगे, बिल्कुल आसान तरीका से कर लोगे, जैसे इतना चैप्टर हमने बताया, इतना चैप्टर को सिखलाया, ये भी चैप्टर उतना ही बढ़िया ढंग से सिखाएंगे, और यह चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां टाइम एंड वर्क नहीं। चलिए अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर, हर एक मेथड से इसको ही बताते हैं, सीख जाओगे आप। राम अकेला एक कार्य को 40 दिनों में, श्याम 60 दिन में। तो देखिए एफिशिएंसी वाला मेथड से चलते हैं, राम और श्याम का चर्चा है, किसका चेला, राम और श्याम का। रेशियो तो आप किसी भी तरह से निकाल सकते हो, पहले टाइम का रेशियो ले लीजिए, फिर उसका इन्वर्स कर लीजिए, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी एक दिन का काम होता है, 40 दिन में पूरा काम एक दिन में कितना करेगा, 1/40। श्याम जो है 60 दिन में पूरा काम एक दिन में कितना करेगा, 1/60। एलसीएम हो गया 120 से गुना करेंगे, यानी हो जाएगा 3:2। यही तो है दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो। अच्छा एफिशिएंसी क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हुआ करता है। चलिए दोनों मिलकर पूछा, पहले पूरा कार्य लिख लो। अच्छा तो राम जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, अच्छा पूरा काम हो गया 40 दिन में करता था, या पूरा काम निकल करके आ गया। टोटल वर्क बराबर क्या सिखाए थे, एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। चलिए तो राम के एक दिन का काम 3, पूरे काम को 40 दिन में, यानी पूरा काम। श्याम से भी लेके चल सकते हैं, श्याम के एक दिन का काम 2, पूरे काम को 60 दिन में, या पूरा कार्य लिख दिए। इस पूरे कार्य को दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, अच्छा दोनों के एक दिन का काम कितना हुआ, 3 प्लस में 2 कितना, 5। चलिए 5 से डिवाइड कर लीजिए, यानी 8 3 कितना हो जाएगा, 24। यानी दोनों मिलकर जो है इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो कहोगे सर 24 दिनों में। कितना दिन में चला, 24 दिन में। चलिए अब आते हैं एलसीएम मेथड पर, किस पर मेरे भाई, एलसीएम मेथड पे आते हैं। यह भी बहुत ही आसान तरीका, एलसीएम मेथड से भी आप बड़ा बड़ा प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इसलिए इस मेथड को भी उतना ही बढ़िया समझना है। चलिए राम और श्याम का चर्चा है, राम अकेला काम को 40 दिन में करता है, हाँ मेरे भाई, जबकि श्याम अकेला काम को 60 दिन में करता है। यहां से पूरा कार्य ज़ूम कर लो, 40 60 का एलसीएम कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा 120 यूनिट, है ना, 120 यूनिट। चलिए एक दिन का काम निकालो, एफिशिएंसी निकालो, राम 40 दिन में 120 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा मेरे भाई, 3 यूनिट। श्याम 60 दिन में 120 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा मेरे भाई, तो 2 यूनिट करेगा। अब क्या कहता है बताइए, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो क्या करोगे, पूरे कार्य में दोनों के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य से डिवाइड कर लेंगे। अच्छा 3 और 2 कितना हो गया, 5, है ना। चलिए यानी दोनों मिलकर जो है इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा 24 दिन मेरे भाई। क्या हो जाएगा, 24 दिन।
24 डेज आपका राइट आंसर है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 24 दिनों में पूरा करेंगे, है ना, 24 दिन में। चलिए अब अभी जो मेथड बताए थे उस मेथड पर भी थोड़ा खैर मकदम कर लीजिए। वह मेथड क्या सिखलाए थे कि जिस जिस व्यक्ति का चर्चा है उसको पहले लिख दीजिए, चर्चा राम का, चर्चा श्याम का, राम काम को अकेले 40 दिन में, श्याम 60 दिन में, पर्सनल टाइम था, लेफ्ट साइड में लिख दिए। देखिए अभी लगेगा क्योंकि थोड़ा प्रश्न आसान है तो लगेगा वही सब आसान मेथड है, लेकिन चला ये अभी कहीं कहीं यही आसान लगेगा, इसलिए हर बात को ध्यान में रखना है। दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, मान लेते हैं कि एक दिन में करेगा, चलिए एक दिन काम करवा लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका एक्स बट्टा 40, है ना, हाँ प्लस में एक्स बट्टा 60, काम कंप्लीट हो गया, बराबर में कितना मेरे भाई, ये हो जाएगा 1। चलिए एलसीएम कितना, 120, 3x2x यानी 5x बराबर में 120, 5 से काट लो कितना बार में, 24 बार में, यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, x बराबर 24 दिन, कितना 24 दिन, यानी दोनों मिलकर जो है इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 24 दिन में, जिसको हमने x माना था 24 दिन आपका राइट आंसर है। एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, यह तीनों तरकीब को आप माइंड में सेट कीजिए, सब आसान है, जगह जगह पर सब अपने आप में मायने रखता है, इसलिए इस तीनों मेथड को आपको सीख के रखना है, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तीन मित्र एक कार्य को अकेले अकेले 10 12 15 दिन में करता है, तीन मित्र एबीसी मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तीन मित्र एबीसी मान लेते हैं, एफिशियंसी वाला मेथड से चल दीजिए पहले। अच्छा, एफिशियंसी एक दिन में किया गया कार्य, एक मित्र 10 दिन में पूरा काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, 1/10 इनवर्स कर लीजिए समय का, या एक दिन में 1/12, और या तीसरा जो एक दिन में 1/15। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 60 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 6:5 कितना मेरे भाई, 4। यही तो है तीनों मित्र के इफिशियंसी का रेशियो, कार्य क्षमता का रेशियो। कहता तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन पूरा करेंगे, पहले पूरा कार्य लिखो किसी एक के सहारे, या तो पहले मित्र के सहारे, या तो दूसरे मित्र के सहारे, या तो तीसरे, किसी से लिख सकते हो। अच्छा, पहला मित्र के एक दिन का काम कितना, 6, पूरे काम को कितना दिन में करता, 10 दिन में पूरा काम लिख दिए। आप दूसरे मित्र के माध्यम से भी लिख सकते थे, दूसरा का भी एक दिन का काम मालूम है, पूरा समय मालूम है, तो 5 × 12 = 60 वहां से भी आता। अब यही पूरा कार्य है, इस पूरे कार्य को तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तीनों के एक दिन का काम, एफिशिएंसी 6 × 5 = 4 और 6 × 5 = 11 = 4 कितना हो गया, 15, तो 60/15, यानी तीनों मिलकर जो है इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो आप कहोगे सर 4 दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिन में, 4 दिन में मेरे भाई। चलिए अब चलते हैं एलसीएम मेथड पर, किस पर, एलसीएम मेथड पर। तीन मित्र का चर्चा है, एगो जो है काम को 10 दिन में, अच्छा बी जो है काम को 12 दिन में, और सी जो है वह काम को 15 दिनों में करता है। यहां से पूरा कार्य जूम करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 10 × 12 = 15, एलसीएम हो जाएगा 60 यूनिट, है ना, 60 यूनिट। अब यह मत कहना चिला कि आप एलसीएम कैसे लिख देते हैं इतना जल्दी, यह सब आपको सिखा चुके एलसीएम एचसीएफ में कंसेप्ट के माध्यम से। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे कटने वाला, सबसे छोटी संख्या। ऐसा नहीं कि बच्चा वाला हरकत करने चलो और 10 12 15 का एलसीएम निकालो, नहीं मेरे भाई, ये आपको शोभा नहीं देगा। चलिए 10 दिन में 60 एक दिन में कितना करेगा, 6, 12 दिन में 60 एक दिन में कितना करेगा, 5, 15 दिन में 60 एक दिन में कितना करेगा, 4। अब कहता तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, अब देख लीजिए, तो 60 तीनों का एफिशिएंसी, ये हो जाएगा 6 × 5 = 11 = 4 = 15, 4 बार में कट जाएगा, यानी तीनों मिलकर जो है इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 4 दिनों में पूरा करेंगे, नहीं 4 दिन में। चलिए तीसरा मेथड पे आते हैं, जो प्रोसेस आपको सिखलाए हैं, आइए उस मेथड पे। तीन व्यक्ति का चर्चा, तीन मित्र का, जिसको हमने ए बी सी मान लिया, एगो अकेले कार्य को 10 दिन में, एगो जो है 12 दिन में, और एगो जो है 15 दिन में करता है। हमसे कहता बताइए तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, मान लेते हैं कि एक दिन में करेगा, चलिए एक दिन सबसे काम करवा लीजिए, तो यह हो जाएगा 1/10 प्लस में 1/12 प्लस में 1/15, है ना, कार्य समाप्त हो गया, बराबर में 1 एलसीएम 60 हो जाएगा। अच्छा सोल्व कर लो, तो 6x 5x 4x
6 × 5 = 11, 4 कितना हो जाएगा 15, 1 = 60 एलसीएम गुना हो जाएगा उधर जा करके। चलिए चार बार में काट लीजिए, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक्स बराबर हो जाएगा आपका 4 दिन, यानी तीनों मिलकर जो है इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 4 दिनों में पूरा करेंगे। तो आपके सबक जो हम 3 मेथड बता रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको स्पष्ट लग रहा होगा, तीनों मेथड का कंसेप्ट आपको क्लियर लग रहा होगा, अब बिल्कुल आसान हो जाएगा प्रश्न बनाना आपके लिए। अब वही मेथड का इस्तेमाल करो जो आपके लिए सहूलियत है। चलिए एबीसी अलग अलग कार्य को 10, 15 और 30 दिनों में पूरा करते हैं, बताइए तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए पहले एफिशिएंसी वाला मेथड से ही बता देते हैं, अब जो जहां जरूरत है वही हिसाब से आपको सिखा दिए सब। अच्छा देखो एफिशिएंसी निकालो, समय का इनवर्स करो, 1/10, 1/15 और 1/30 है ना, एलसीएम 30 हो जाएगा, यानी 3:2 क्या हो गया 1, यही तो एफिशिएंसी का रेशियो है। चलिए पूरा कार्य लिख दीजिए किसी एक के मदद से, एक के एक दिन का काम 3, पूरे काम को 10 दिन में पूरा काम निकल करके आ गया, तो आता इस पूरे काम को बताइए तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तीनों के एक दिन का काम 3×5 है कितना 6, तो 30/6 यानी तीनों मिलकर जो है इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 5 दिनों में पूरा करेंगे, कितना दिन में 5 दिन में पूरा करेंगे, कौन सा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों मिलकर जो है इस काम को 5 दिनों में पूरा करेंगे। चलिए एलसीएम वाला मेथड भी बहुत आसान होता है, चलिए एलसीएम वाले मेथड से बना लीजिए। हाँ ध्यान दीजिएगा, ए जो है 10 दिन में, बी जो है वह 15 दिन में, और सी जो है काम को 30 दिनों में पूरा करता है, यहां से पूरा कार्य जूम करेंगे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 30 यूनिट है। हाँ ध्यान दीजिएगा, चलिए एक दिन का काम निकालो, ए के 10 दिन में 30, एक दिन में कितना 3, बी 15 दिन में 30, एक दिन में कितना 2, सी 30 दिन में 30, एक दिन में कितना 1। अब क्या कहता है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तब पूरे कार्य में तीनों के एक दिन के काम से डिवाइड करो, 3×5 = 6 यानी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 5 दिनों में पूरा करेंगे। हाँ मेरे भाई कितने दिन में, तो 5 दिनों में पूरा करेंगे, कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, तीनों मिलकर काम को 5 दिन में पूरा कर लेगा। अगले सवाल की ओर आइए, अब देखिए जो आसान लगेगा ना वही मेथड का इस्तेमाल कीजिए है ना। अब कहोगे कि सर यह हमको कैसे पता लगेगा कि आसान कौन सा है, भारी कौन है, मुसीबत वाला कौन है, सब पता लगेगा प्रैक्टिस करोगे, सब क्लियर स्पष्ट हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। हाँ देखिए जो जहां लगे एफिशिएंसी वाला से आप बना सकते हो, जहां एलसीएम वाला आसान हो एलसीएम वाला से, अब नहीं हो सब मामला क्लियर हो रहा है तो प्रोसेस जो आपको प्रोसीजर हमने बताया, लेफ्ट साइड पर्सनल टाइम, राइट साइड कार्य में सम्मिलित समय, और उसके माध्यम से आप इक्वेशन तैयार करके बराबर में एक करके आप बना सकते हैं बिल्कुल। चलिए ए और बी मिलकर एक कार्य को 3 दिन में, देखिए इसको एलसीएम मेथड से ज्यादा बढ़िया होगा बनाना, ए और बी मिलकर जो है वह काम को 3 दिनों में पूरा करता है, ए अकेला जो है वह काम को 4 दिनों में करता है, यहां से पूरा कार्य जूम करो, 3×4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 यूनिट। अब बार बार लिखना क्या है, अभी सब लिखने वाला बात भुला जाइए, आपको सिखा दिए। अब देखो ए और बी 3 दिन में 12 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा 4, यह ए और बी का सम्मिलित एफिशिएंसी है। अच्छा ए 4 दिन में 12, एक दिन में कितना करेगा 3, अब कहता बताइए बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तब पूरे कार्य में बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर लीजिए। अब एक बात समझना, बी का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो दोनों के एक दिन के कार्य में एक एक दिन के कार्य को घटा लीजिए तो बी के एक दिन का काम आ जाएगा, तो देखो 4 में से 3 चला गया, कितना हो गया 1, यानी बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आप कहोगे 12 दिन में पूरा करेगा सर, कितने दिन में 12 दिनों में पूरा करेगा, हाँ 12 दिन में जो है कि पूरा करेगा, कितना दिन में 12 दिन में। अब एफिशिएंसी वाला से बना सकते थे, लेकिन जो जहां हम बोले ना कि जो जहां सहूलियत लगे वही मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए और बी का सम्मिलित समय दिया गया, इसलिए एफिशिएंसी ए और बी का सम्मिलित आएगा। अच्छा ए वो ए का पर्सनल टाइम दिया, चलिए ए और बी का एफिशिएंसी देखो कितना हो जाएगा, ए और बी काम को 3 दिन में, एक दिन का काम 1/3, बी काम को 4 दिन में, एक दिन का काम 1/4, एलसीएम 12 यानी 4:3, यही तो है एफिशिएंसी का रेशियो, ए बी जबकि ए का नहीं, बी अकेला। अब देखो पहले पूरा कार्य लिख लो, बी का पर्सनल टाइम आपसे पूछा गया, अच्छा ए और बी के एक दिन का काम 4,
पूरे काम को, और भी तीन दिन में पूरा काम निकल करके आ गया। कहता बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, तो दोनों में से ए वाला घटाइए, चार में से तीन गया एक, यानी बी जो है इस काम को अकेले कितना दिन में पूरा करेगा, तो आप कहोगे सर 12 दिन में पूरा करेगा। कितना मेरे भाई, 12 दिनों में पूरा करेगा। कितना दिन में, 12 दिन में पूरा करेगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, सी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। चलिए अब जो सहूलियत वही, अब इतना मेथड आपको सिखा दी, इतना प्रश्न का प्रैक्टिस हमने करवा दिया। राम और श्याम मिलकर काम को 30 दिनों में, ध्यान दीजिएगा, राम और श्याम मिलकर काम को 30 दिनों में करता है। राम अकेला इसे कितने दिनों में करेगा, जबकि श्याम अकेला इसको 50 दिनों में करता है। यह श्याम का पर्सनल टाइम आ गया। यहां से पूरा कार्य जुम करो, 30-50 कैल्सियम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 150 यूनिट हमने मान लिया। अच्छा 30 दिन में 150, एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेगा, 5। 50 दिन में श्याम 150 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा, 3। अब हमसे क्या कहता बताइए, श्याम अकेला, सॉरी राम अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। अच्छा तो राम अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, अब देखो निकाल लो, तो पूरे कार्य में राम के एक दिन के कार्य से डिवाइड करेंगे, तो राम के एक दिन का काम आएगा कहां से, तो दोनों के एक दिन के कार्य में जो राम और श्याम का है उसमें श्याम वाला एक दिन का घटा लीजिए, तो 5 में से, या दोनों के एक दिन का काम है राम और श्याम का, इसमें श्याम वाला घटा लो मेरे भाई, 5 में से 3 चला गया, कितना हो गया, 2 नहीं, यानी राम अकेला इस काम को कितने दिनों पूरा करेगा, तो 75 डेज आपका राइट आंसर है, 75 दिनों में पूरा करेगा। कितना मेरे भाई, 75 दिनों में पूरा करेगा, 75 डेज में कंप्लीट करेगा राम अकेले इस कार्य को, समझ रहे हैं ना। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता ए अकेला एक कार्य को 30 दिन में, उसने 5 दिन कार्य किया, तब से इस कार्य को बी जो है 15 दिन में करता है, तो बताइए कि बी अकेला इसे कितने दिनों में करता है। ध्यान दीजिएगा एलसीएम मेथड से ही देख लो पहले। अच्छा ए जो है, ध्यान दीजिएगा, ए अकेला किसी काम को कितने दिन पूरा करता, 30 दिनों में पूरा करता है, समझिएगा बात को, उसने 5 दिन कार्य किया तब शेष कार्य को, अच्छा 5 दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 1/30, 5 दिन में 5/30, इतना काम कर लिया, शेष काम घटा निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा काम का मतलब एक, एक में से घटा लो इसका 5 दिन का काम, यह 6 बार में 1/6 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, यह बच जाएगा 5/6, यही तो शेष काम है, और इस शेष कार्य को बी कितना दिन में पूरा करता है, 15 दिन में, ध्यान दीजिएगा। अच्छा बी जो है शेष काम को 15 दिन में, जो शेष काम है 5/6, तब बी जो है वह 5/6 काम 15 दिन में करता है, तब पूरा के लिए तो ज्यादा समय लेगा, तो उल्टा गुना कर लीजिए, 6/5, 5 से 3 बार में, यानी बी पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 18 दिनों में पूरा करेगा, कुछ करने की आवश्यकता ही इसमें नहीं है, कहीं एलसीएम फेलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, बस ए को 5 दिन काम करवाया हमने, जो शेष बचा उस शेष कार्य को जो है बी 15 दिन में 5/6 काम करता है, तो पूरा के लिए ज्यादा समय लेगा, 6/5 से हमने गुना कर लिया, 18 दिन का समय लेगा, हाँ मेरे भाई, कितना दिन का, 18 दिन का। अब जो प्रोसेस हम आपको बतलाए थे ना, थोड़ा सा उलझाऊ प्रश्न, उस प्रोसेस को लगा के देखिए कितना आनंद आएगा आपको, चलिए ध्यान दीजिएगा। हा हा हा, दो व्यक्ति का चर्चा है, वह दो व्यक्ति ए और बी, पर्सनल टाइम लेफ्ट साइड, कार्य में सम्मिलित समय राइट साइड। हा ए अकेले काम को 30 दिन में करता है, उसने 5 दिन काम किया, कार्य में सम्मिलित समय राइट साइड, तब शेष कार्य को बी कितना दिन में करता, 15 दिन में, यह कार्य में सम्मिलित समय ही, बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, मान लेते एक्स दिन में करेगा, यही था वह प्रोसेस, देखिए कितना सुविधा देता है हमको, कहीं कुछ ज्यादा दिक्कत, पर्सनल टाइम लेफ्ट साइड, कार्य में सम्मिलित समय राइट साइड, कैलकुलेट करो मेरे भाई, कैलकुलेट करो, 5/30, इसको 15 दिन करवाइए, 15/x, यहां सब स्पष्ट होता है, पूरा काम हो गया, 5 से 6 बार में, 15/x बराबर में 1/6 घटाइए एक में, यह हो जाएगा 5/6, 5 से 3 बार में, यानी x बराबर आपका हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 18 दिन, यानी बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आप कहोगे सर 18 दिन में पूरा करेगा,
कितना दिन में छेदा? 18 दिन में, 18 डेज। कौन सा उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आसान हुआ ना, तो जहां उलझ जाइएगा वहां आप इस मेथड पे जाओगे, बिल्कुल उसका समाधान है यहाँ। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता है ए बी सी एक कार्य को जो है 24, 30, 40 एलसीएम मेथड पे आ जाइए। ए बी सी, ए जो है काम को 24 दिनों में, बी जो है काम को 30 दिन में, वही काम को, सी जो है वही काम को 40 दिनों में पूरा करता है। यहां से पूरा कार्य जूम कर लो। अच्छा 24, 30, 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 120 यूनिट। चलिए 24 दिन में 120, एक दिन में कितना करेगा? 5। 30 दिन में 120, एक दिन में कितना करेगा? 4। 40 दिन में 120, एक दिन में कितना करेगा? 3। यह हो गया सबका एफिशिएंसी, सबका एक दिन का कार्य। कहता है उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु कार्य पूर्ण होने के 4 दिन पहले सी छोड़ दिया। अच्छा चेला, कार्य पूर्ण होने से 4 दिन पहले सी छोड़ देता है। अब देखिए बात समझिए, एक बात समझना। अच्छा 4 दिन पहले सी छोड़ दिया, इसका मतलब है कि अंत का 4 दिन कौन किया? तीनों मिलकर कार्य शुरू किया था, 4 दिन पहले सी छोड़ता है, इसका मतलब अंत का 4 दिन ए और बी किया, नहीं क्योंकि सी छोड़ दिया है। अच्छा तो ए और बी किया अंत का 4 दिन, ए और बी के एक दिन का काम कितना हुआ? 5, 4, 9, 4 दिन काम करवा लीजिए, ये अंत का 4 दिन का काम घटा लीजिए। अब जो काम बचा हुआ स्टार्टिंग फेज का काम है, जहां तीनों मिलकर कार्य किया है, तीनों के एक दिन का काम 5, 4, 9, 3 कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 12, नहीं चलिए 12 से काट लेते हैं, 12 से 10 बार में, इसको भी काट लीजिए 3 बार में, 10 × 3 यानी तीनों मिलकर साथ में कई दिन काम किया? 7 दिन। अगर आपसे प्रश्न कहता कि कितना दिन कार्य करके छोड़ा, तो उत्तर 7 दिन, लेकिन पूरा समय पूछा 7 दिन, तो यह हुआ 4 दिन ए और बी किया लास्ट में, 7 + 4 यानी पूरे कार्य की समाप्ति में जो समय लगा है वह समय कितना दिन का? तो 11 दिन का। कितना दिन का? 11 दिन का। यहीं पर एक बात और सोचने के लिए आपको मजबूर करते हैं, वह बात क्या है? वह बात क्या है? बात यह है, जैसे देखो पूरा कार्य 120, 4 दिन पहले सी छोड़ देता है, काम कंप्लीट हो जाता है। अगर वह सी 4 दिन और काम करते रहता अंत तक, तो काम से ज्यादा काम हो जाता, हो जाता कि नहीं होता? अरे भैया 4 दिन पहले सी छोड़ता है तब कम्मा पूरा होता है, इसका मतलब अगर कंटिन्यू रहता तो काम से ज्यादा काम हो जाता, ऐसे सोच के देखिए। चलिए काम से ज्यादा काम होता, सी के दिन का काम कितना? 3, इतना काम ज्यादा हो जाता। चलिए तीनों की एफिशिएंसी डिवाइड कर, 5, 4, 9, 3, 12, यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा, कहीं कुछ जोड़ने फोड़ने की आवश्यकता। 120 + 12 यानी 132/12 यानी 11 दिन स्पष्ट हो जाता, एकदम बिल्कुल स्पष्ट, यानी कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? 11 दिन। तो ऐसे भी सोच सकता, देखिए यह प्रैक्टिस का चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तरीका का आपके माइंड में सोच आएगा प्रश्न बनाने के प्रति, और बिल्कुल आप अपने प्रैक्टिस करो ना भाई, प्रैक्टिस ही आदमी को महान बनाता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा रिजल्ट का, उतना बड़ा दावेदार रहते हो। देखो एग्जाम प्रैक्टिस का चीज है, जो बंदा जितना मॉक टेस्ट लगाता, जितना सेट प्रैक्टिस करता है, रिजल्ट उसी का होता है। आप पढ़ते रहो, विद्वान बनने से कुछ नहीं होने वाला, स्मार्ट बनिए, स्मार्ट है ना, स्मार्ट बनना होगा रिजल्ट लाने के लिए। चलिए अब हम यहां पर देखिए वह प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, क्या वह प्रोसेस में बिल्कुल स्पष्टता है या नहीं है। चलिए तीन व्यक्ति का चर्चा था, ए बी और सी, ए काम को 24 दिन में, बी काम को 30 दिन में और सी काम को 40 दिन में, समझ रहे हो बात को? अब क्या कहता है, पर्सनल टाइम था, तीनों मिलकर कार्य शुरू किया परंतु कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले सी छोड़ दिया। चला एक बात समझना, पूरे कार्य समाप्ति तक कौन काम किया? तो आप कहोगे सर ए और बी काम किया, सी तो 4 दिन पहले छोड़ दिया। पूरे कार्य समाप्ति में अगर एक्स दिन का लगा है, सी कितना दिन काम किया? x − 4। आपसे पूरा समय पूछा जो ए और बी रहा, एक्स का मान बता देना। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, एकदम बिल्कुल स्पष्ट होता है इसमें,
एक्स बटा चौबीस, एक्स बटा तीस प्लस में एक्स माइनस में चार बटा चालीस, एलसीएम 120, 5x, 4x, 3x, 5 चार 9 3 12 एक्स बराबर 132। ग्यारह दिन देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो जहां आपको दिक्कत बुझाए आप प्रोसेस वाले मेथड में चले जाएंगे, एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। हाँ देखिए आगे और भी उलझाऊ प्रश्न आएगा, जहां आपको थोड़ा सा उलझन लगेगा तो आप उस पर चले जाइएगा, जहां स्पष्टता होता बिल्कुल आसानी से आप बना लोगे। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता एबीसी एक कार्य को 36, 54, 72 दिन में करता है, उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया लेकिन कार्य के समाप्ति होने के 8 दिन पहले ए जबकि 12 दिन पहले बी बाहर हो गया। देखिए उल्टा पुलटा है तो पहले बनाते हैं, एलसीएम मेथड से भी आपको दिखाते हैं। देखो ए जो है काम को 36 दिन में, बी जो है काम को 54 दिन में, सी जो है काम को 72 दिन में, यहां से पूरा कार्य जूम करेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा तो 216। इसके एक दिन का काम कितना 6, इसके एक दिन का काम 4 नहीं, इसके एक दिन का काम 3। अब देखो क्या बोलता है, लास्ट में पूछा बताएं कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, यानी पूरे समाप्ति का समय पूछा कार्य की समाप्ति का। अच्छा 8 दिन पहले ए छोड़ा, अगर नहीं छोड़ता तो काम से ज्यादा काम होता कि नहीं होता, बस वैसे सोचिए एक दिन का काम 6 इतना काम ज्यादा होता। 12 दिन पहले बी छोड़ा, बी के एक दिन का काम 4, अगर यह करते रहता तो और ज्यादा काम होता, यानी काम से ज्यादा काम होता अगर करवाते हैं कंटिन्यू। तो चलिए तीनों की एफिशिएंसी डिवाइड 6, 4, 10 और 3 कितना 13, उल्टा सोचते हैं हमें। हाँ ध्यान दीजिएगा 48 48, ध्यान दीजिएगा तो 96 जोड़ लीजिए, नहीं 96 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 312, 13 दूना 26 नहीं और 13 चौके 52, यानी कार्य समाप्ति में जो पूरा समय लगेगा वह समय कितना दिन का होगा 24 दिन का। देखो आप समझ रहे हो तो ये सब आसान मेथड है। अब इस मेथड पे आते हैं, इस मेथड पे आओ आप, ए बी सी का चर्चा है, सबका पर्सनल टाइम गिवन कर रखा है, लिख दीजिए 36, 54, 72। एक कार्य समाप्ति से 8 दिन पहले छोड़ता, बी 12 दिन पहले छोड़ता, तीनों मिलकर काम शुरू किया था, इसका मतलब पूरे कार्य समाप्ति तक शुरू से अंत तक कौन रहा, तो कहोगे सर सीधा पूरे कार्य समाप्ति में मान लेते एक्स दिन लगा, 8 दिन पहले छोड़ के चला गया एक्स माइनस 8, या 12 दिन पहले चला गया एक्स माइनस में 12। चलिए काम करवा लीजिए, एक्स माइनस 8/36 प्लस में एक्स माइनस 12/54 प्लस में एक्स बट्टा 72, पूरा कार्य कंप्लीट हो गया 1। एलसीएम वही 216 आएगा, कैलकुलेट कर ले हुए ऐसा उम्मीद करते हैं आपसे, सोल्व करोगे यहां भी उत्तर आपका एक्स बराबर 24 डेज आ जाएगा, 24 डेज कहीं कोई परेशानी नहीं, 216 एलसीएम आएगा चला। ऐसा मत कहना कि सर कैलकुलेशन के चलते भाग रहे हैं, कोई कैलकुलेशन मेरे लिए नहीं, बहुत आसान है 216 होगा कैलकुलेट कर लोगे, बस छोड़ दे रहे हैं क्योंकि सेम उत्तर आएगा, अब आगे भी बढ़ना है हमको। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं हम। ए एक कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, ध्यान दीजिएगा आराम से, ए जो है एक कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, पहले यहां से पूरा कार्य जूम कर लीजिए कितना हो जाएगा 30, एफिशिएंसी इसका हो जाएगा 3, इसका कितना 3 दिन तक ए ने अकेले कार्य किया उसके बाद छोड़ दिया, 3 दिन तक ए अकेले काम किया उसके बाद छोड़ दिया, शेष काम को बी कितना, अच्छा 3 दिन ए से काम करवाइए, एक दिन का काम 3 दिन, शेष काम जो बचा उसको बी कितना दिन में पूरा करेगा, तो बी के एक दिन के काम से डिवाइड कर लीजिए तो यह हो गया आपका 21/2, यानी हो जाएगा 10.1/2 दिन, 10.1/2 दिन, यानी शेष काम को बी कितना दिन में पूरा करेगा,
तो 10.5 दिन में पूरा करें। यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उस मेथड से ही बना लोगे आप, आसान है, तो फिर ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं मेरे भाई। एबीसी एक कार्य को 10-15-20 दिन में, ध्यान दीजिएगा, ए काम को 10 दिनों में, बी जो है काम को 15 दिनों में, और सी जो है वह काम को 20 दिनों में पूरा कर। कितना दिन में? 20 दिन में। यहां से पूरा कार्य जूम कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 60। इफिशियंसी 6-4-3। अब क्या कहता है सुनिए, परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ चेला, तो कार्य समाप्ति में कुल कितना दिन लगा? खाली देखिए, 100 बनाने का बहुत तरकीब है, आप तीनों को 3 दिन करवा लीजिए, फिर से इस काम को बी और सी से करवा लीजिए, तो आप जोड़ के उत्तर करना, लेकिन आप ऐसा दिमाग लगाओ, ऐसा लॉजिक लगाओ जहां फंसो नहीं, और आराम से प्रश्न को निकाल लो और निकाल लीजिएगा, मुझे आपका काम क्लियर है। देखो 3 दिन बाद, यानी ए जो है केवल 3 दिन ही काम किया, 6 × 3। अच्छा पूरे शुरू से अंत तक अगर कोई कार्य पर रहा है तो वह कौन रहा? बी और सी रहा। कौन रहा? बी और सी। तो बी और सी का एफिशियंसी कितना हो गया? 4 × 3 = 7। चलिए 60 में से 18 गया, 42/7, यानी कितना दिन? 6 दिन। यानी तीनों मिलकर जो है इस काम को जो समाप्त किया है उस, हाँ भले उसमें 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता, 3 ही दिन ये काम करता है, लेकिन पूरे कार्य में तो तीनों सम्मिलित था। कार्य समाप्ति में कुल जो समय लगा है वह समय कितना दिन का है? 6 दिन। 6 दिन। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। हरी एक कार्य को 25 दिन में करता, आराम से बात को समझिए, हरी एक काम को कई दिन में करता है? 25 दिन में। 14 दिन कार्य करने के बाद वह राम को भी साथ ले लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, 14 दिन काम करवाइए हरी से, 14/25, बचा काम कितना? 1 − 14, 25 में से 14 चला गया, 11/25। अब काम पर साथ में राम को ले लिया, अगले 6 दिन में काम समाप्त हो गया, यानी शेष काम को हरी और राम मिलकर करता है। कई दिन में करता? 6 दिन में। 6 दिन में कितना काम किया दोनों मिलकर? 11/25 काम किया। तो पूरा के लिए काम के लिए तो ज्यादा समय लेगा, और दोनों का पर्सनल टाइम निकालिए, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? चलिए इसका एलसीएम निकालिए, भिन्न में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, भिन्न का लॉस आपको क्या सिखाए? ऊपर का लॉस, नीचे का मॉस, भिन्न का मॉस, ऊपर का मॉस, नीचे का लॉस, नहीं मेरे भाई। चलो 25 और 150 का एलसीएम 150, 1 और 11 का एचसीएफ 1। चलिए 25 दिन में 150, 1 दिन में कितना करेगा? 6। 150/11 दिन में 150, 1 दिन में कितना करेगा? 11। तो कहता है बताइए राम अकेला इसको कितने दिन में करेगा? तो पूरे कार्य में राम के एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिए। कैसे निकालोगे राम का एफिशिएंसी मेरे भाई? तो 11 यह दोनों का 1 दिन का काम है, दोनों का एफिशिएंसी है, हरी प्लस में राम, 11 में से 6 चला गया, कितना मेरे भाई? 25। यह राम का 1 दिन का काम आ गया, यानी राम अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो आप कहोगे सर 30 दिन में पूरा करेगा। हाँ चेला कितना दिन में करेगा? 30 दिन में। देखो जहां उलझन का बात होगा वहां मेथड पे जाना, ऐसे आप एलसीएम मेथड भी आसान है, आप जहां इफिशियंसी लगता है वहां इफिशियंसी वो लगाइए, नहीं कुछ समझ में आए प्रोसेस पे जाओ, हर तरकीब आपको हमने गढ़ा है। हमने बोला ना टाइम एंड वर्क ऐसा पढ़ा देंगे जैसे हर चैप्टर में बोल रहे थे, टाइम एंड वर्क भी ऐसा पढ़ाएंगे जो दुनिया के हर कोना में खोजने पर आपको नहीं मिलने वाला है। और आज के बाद कभी दिक्कत हो जाएगा तो बोलना कि मास्टर पढ़ाया हमको समझ में नहीं आया, ये फालतू का है। हाँ लेकिन समझ में आए तो जितने भी आपके दोस्त मुझ में सबको थोड़ा बता दीजिएगा कि वो पागल पढ़ाने वाला है, अगर आपको बढ़िया लगता हो तो। चलिए अभी थोड़ा तबीयत खराब है चेला, इसलिए थोड़ा उल्टा पुल्टा टाइम, देखिए कल भी आपके साथ नहीं जुड़ पाए, तो थोड़ा हमने बोला स्टोन का समस्या है मेरे साथ इधर,
तो जब तक थोड़ा उसका समाधान नहीं हो जाता, थोड़ा उल्टा पुल्टा जब दर्द होता है तो हम नहीं पढ़ा पाते हैं, कल भी नहीं पढ़ा पाए आपको, आज अगर मैं भी ठीक रहा तो फिर शाम में पढ़ा देंगे, जितना ज्यादा हो सके जल्द से जल्द हम खुद सोच रहे हैं कि आपके एग्जाम तक हम आपके सिलेबस को रिकवर करवा दें हम। चलिए ए और बी अकेले अकेले कार्य को देखो, ए जो है काम को अकेले 18 दिन में, बी जो है काम को 24 दिन में, क्या कहता सुनिए आराम से। दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ दिया, अब शेष काम को बी अकेले 10 दिन में कर, ध्यान दीजिए यहां से पूरा कार्य 72, एफिशिएंसी 4, कितना मेरे भाई 3। देखो आराम से बात को समझो क्या कहता है, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़ दिया, शेष काम को अकेले भी 10 दिन। अरे चेला ए छोड़ता है मेरे भाई, ए छोड़ता है, शेष काम को बी करता है, ए कितने, अच्छा तो लास्ट में तो बी काम किया केवल 10 दिन, बी के एक दिन का काम कितना 3, 10 दिन। अच्छा सुनिए बात को, दोनों मिलकर काम शुरू किया था, लास्ट का काम आपने घटा दिया, जो शेष काम बी किया था, इसका मतलब शुरू का काम तो दोनों मिलकर किया, कितना दिन काम किया देखिए 4 दिन, कितना हुआ 7, तो 72 में 30 किया 42/7 6 दिन, यानी दोनों मिलकर 6 दिन काम किया और यहीं से एक काम छोड़ दिया है, तो 6 दिन आपका आंसर होगा। हाँ अगर बात होता कि कार्य समाप्ति में कुल कितना दिन लगा, तो दोनों मिलकर 6 दिन काम किया जहां से ये छोड़ा और 10 दिन अकेले भी किया, 6+10=16 दिन आपका उत्तर हो। अगले सवाल की ओर आइए, ए और बी कोई कार्य 20 दिन और 15 दिन में जो है वह पूरा करता है, उन्होंने 6 दिन एक साथ काम किया, उसके बाद बी की जगह सी आ गया, यदि कार्य अगले 4 दिनों में पूरा हुआ। देखिए अगर समझोगे बात को आसान है, आराम से आइए, ए काम को कितना दिन में करता 20 दिन में, बी काम को कितना दिन में करता 15 दिन में, आराम से बात को समझो, उन्होंने 6 दिन एक साथ काम किया, 6 दिन दोनों काम करवाइए, 6 दिन काम करवा लिए, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60, अब देखो यहां हो जाएगा 18 और 24 कितना हो गया मेरे भाई, 18 24 हो जाएगा 42, 18/60 नहीं यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका 3 से गुना होगा तो 18 घटेगा और यहाँ 4 से गुना होगा 24, ये हो जाएगा 42, 60 में से 42 घटा लो, 6 से 3 बार में 6 से 10 बार, यही काम शेष बचा है, कितना काम 3/2, यह काम शेष बचा। अब बी काम छोड़ दिया, बी की जगह सी आ गया और कार्य अगले 4 दिन में पूरा हुआ, इसका मतलब शेष काम को कौन किया, तो बी तो छोड़ दिया, तो ए तो कंटिन्यू है, शेष काम को ए और सी किया, बी की जगह सी आ गया, ए और सी, और कितना दिन में कार्य अगले 4 दिन में समाप्त होता, अच्छा 4 दिन में ए और सी मिलकर 3/10 करता है, तो पूरा के लिए ज्यादा समय लेगा 10/3, यहां से पूरा कार्य जुम कीजिए ऊपर का 40/3 हुआ, एलसीएम हो जाएगा 120, एफिशियंसी देखिए ये हो जाएगा 6, 8, 3×9, अब क्या कहता बताएं, सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तब पूरे कार्य में सी के एफिशिएंसी से डिवाइड करो, अब सी का एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, तो ए और सी के एफिशिएंसी में ए का एफिशिएंसी घटाओ, 9 में से 6 चला गया 3, यानी इस पूरे कार्य को सी कितने दिन में करेगा, तो 40 दिनों में करेगा, कितना दिन में 40 दिन में करेगा। अब थोड़ा सा तो प्रश्न घूमेगा भाई, बउआ वाला तो हर समय नहीं रहने वाला है, अब इसको उस मेथड पे लेके चलते हैं, अगर थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है उलझाऊ तो उस मेथड पे आइए, लेकिन आसानी है कुछ बड़ा बात नहीं है, हाँ इस मेथड पे आप सब चीज स्पष्टता से लिख दोगे कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको। देखो ए अकेले काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी अकेला कितना दिन में करेगा मान लेते हैं एक दिन में, तो पर्सनल टाइम हुआ, कार्य में सम्मिलित समय पे आइए, दोनों मिलकर 6 दिन काम करता है, कितना दिन मेरे भाई 6 दिन, इसके बाद बी की जगह सी यानी बी छोड़ दिया, शेष काम को कौन किया, तो ए और सी किया 4 दिन में, यानी ए और 4 दिन किया और सी तो 4 दिन किया, बस यहाँ सब चीज स्पष्ट है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो ये हो जाएगा 10/20 प्लस में 6/15 प्लस में 4/x बराबर में कितना 1, यहां से काटिए
चार बट्टा एक्स बराबर एक में से घटाओ, एलसीएम 10 हो जाएगा आपका, नहीं है, ये दोनों को जोड़ लीजिए तो 5 अचार 9 बट्टा 10 यानी एक्स बराबर हो जाएगा आपका 40 दिन। चालीस दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कितना दिन 40 दिन, यही है सी का पर्सनल टाइम 40 दिन। तो आप आसानी से जब ज्यादा उलझा हुआ अगर आपको लगे मन में ऐसा लगे तो आप इस मेथड पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको हर चीज सिखलाया है। चलिए अगले सवाल की ओर आइए और आज के क्लास का एक आखिरी सवाल होगा, फिर अगर ठीक रहे तो शाम में फिर क्लास होगा आपका, है ना। चलिए एक कार्य को 120 दिन में, बी 150 दिन में, वो दोनों मिलकर 20 दिन काम, ई लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा इधर उधर है, तो आप प्रोसेस पे ही आ जाइए। चलिए आ जाइए प्रोसेस पे, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी का चर्चा, ए काम को 120 दिन में, बी जो है 150 दिन में, सी अकेला कितना दिन में करेगा मान लेते हैं एक दिन में। आइए बात समझ खाली लिखते चलिए, कार्य में सम्मिलित समय प्रश्न, सॉरी कार्य में पर्सनल टाइम लेफ्ट साइड, कार्य में सम्मिलित समय राइट साइड, दोनों मिलकर 20 दिन काम किया, आराम से समझो कई दिन काम किया 20 दिन ए और बी। हाँ इसके बाद बी छोड़ दिया, एक कार्यरत रहा, बी छोड़ दिया, इसके बाद बी यहीं तक छोड़ दिया, एक कार्यरत रहा, कई दिन कार्यरत रहा 12 दिन, 12 दिन काम किया। अब कार्य पर कौन आ गया, तो कहोगे सी आ गया, कौन आ गया कार्य पर, सी आ गया। कार्य अगले 48 दिनों में समाप्त हुआ, ऐसा तो नहीं बोला कि ए छोड़ के भाग गया है, सी तो ए तो कंटिन्यू है। चलिए कार्य 48 दिन में समाप्त हुआ, यानी 48 दिन ये और किया और यह आया 48 दिन काम किया। देखिए हाँ यही चलते बोलते हैं, जब ज्यादा उलझ जाओ इस मेथड पे आओ, ये रामबाण है आपके लिए टाइम एंड वर्क का, है ना। जहां थोड़ा उलझाऊ प्रश्न है आप इस पे आ जाइए, आसानी से बना लोगे। देखो दोनों मिलकर 20 दिन काम किया था, बी छोड़ दिया, एक कंटिन्यू रहा, 12 दिन काम किया, तब काम पर सी आया, सी आया तो 48 दिन और लगा, ऐसा तो नहीं बोला ये छोड़ के चला गया, 48 दिन ए भी किया, 48 दिन सी भी आया। हाँ चलो कैलकुलेट कर लो भाई, सी का पर्सनल टाइम पूछा, यह हो गया 60 और 20 80, दो बार में 48 बट्टा हो गया आपका x, नहीं 40, घटाइए इसको कैलकुलेट करके क्या हो गया चला, एलसीएम हो जाएगा आपका 30 ना, सॉरी 15, तो यहां हो जाएगा 10 और दो 12, दस और दो 12 यानी 3 बट्टा 5 बार में काट लीजिए, 48 गुना 5 यानी x बराबर हो जाएगा आपका 240 दिन। उलझने आपको नहीं देंगे, हर तरकीब आपको सिखाएंगे, कहीं कोई परेशानी आपके साथ नहीं हो। 240 देखिए जब ज्यादा उलझा हुआ था हमने प्रोसेस पिला दिया, कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं, जितना बात आपको बताया उतना ही आप सोचो। दोनों मिलकर काम किया था 20 दिन, छोड़ दिया बी, 12 दिन कंटिन्यू, फिर ए करता है, फिर आता सी है, 48 दिन और लगता है कार्य की समाप्ति में, यानी ए टोटल 80 दिन काम किया है ना, बी 20 दिन और सी 48 दिन काम करवा लिया हमने, 2/3 2/15 48 बटा एक्स बराबर में, इसको कैलकुलेट कीजिए, एलसीएम 15 तो 10 प्लस में 2/12/15 घटा लिया हमने, 3/15 बचा है ना, तो काट लीजिए 5 बार में 48 बचे 240, यानी सी अकेला इस काम को 240 दिनों में पूरा करेगा। दिया था टाइम एंड वर्क का पहला क्लास, अभी इसमें बहुतों प्रकार का प्रश्न होगा, हर एक प्रकार का प्रश्न क्लियर करेंगे, आप टेंशन मत लो, आपको जितना बताते हैं आप रिवीजन करते चलिए चला। बस जैसे मैं बैच के शुरुआत में बोला था कि जिंदगी में दोबारा मैथ्स पढ़ने आपको नहीं देंगे, कहीं पढ़ने का नौबत नहीं आएगा, चाहे एग्जाम कुछ भी हो, मैथ्स है तो हमसे ज्यादा नहीं होगा, हम जितना आपको बताएंगे उतना ही से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। आपका काम है प्रैक्टिस करते रहना, आपका काम है प्रैक्टिस करते रहना, और प्रैक्टिस वाले बैच से जुड़ जाइए आप, मैथ ट्रेनिंग का जो प्रैक्टिस वाला बैच है एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए, इसमें 20 मैथ्स का प्रश्न, 5 रीजनिंग का प्रश्न होता है, है ना, बहुत इफेक्टेड है आपके लिए। झारखंड जीके का बैच भी आपका कंप्लीट हो गया, जो बच्चे अभी भी सब्सक्रिप्शन उसका लेना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच है, मात्र 100 रुपये में पीडीएफ के साथ अवेलेबल है। बायोलॉजी का बैच आपके लिए उपलब्ध है, रीजनिंग का बैच है, है ना। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग का नेक्स्ट क्लास में, तब तक विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।